गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ डॉक्टर रुचि पांडे, वर्क एट ए उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर. टुडे आई एम डिस्कस अबाउट द बीएससी फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स टॉपिक हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ओके, नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द पीरियोडिक टेबल क्लास हिस्ट्री. सो दिस इज द पीरियोडिक टेबल हिस्ट्री. ओके, दिस इज द यूनिट सेकेंड ऑफ द इकोनॉमिक केमिस्ट्री. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु डिस्कवर्ड द पीरियोडिक टेबल. हमारे दिमाग में ये आता है कि हु डिस्कवर्ड द पीरियोडिक टेबल, जिसमें एलिमेंट्स को बहुत ही बेस्ट प्रोसीजर से रखा गया है. तो यू नो दैट द मेंडेलीव फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड इन 1869 पीरियोडिक टेबल. तो मेंडेलीव ने 1869 में तो डिस्कस किया ही था, लेकिन उससे पहले कुछ और साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने में हमारी इतनी हेल्प करी. तो दैट मीन्स उसी को हम हिस्ट्री के नाम से जानते हैं. तो फाइनल तो मेंडेलीव ने करी थी, न्यू फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो आज चल रही है, जिसमें 118 एलिमेंट है और केमिस्ट्री में सारे एलिमेंट उसमें अरेंज करके रखे गए हैं, उसमें सारा योगदान हर किसी का है. उसी में से हमारा पहला जो साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में स्टार्टिंग करी, पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट होने चाहिए और उनको किस तरह से रखा जाएगा. तो फर्स्ट हमारे जो रखी थी वो हमारी डोवनियर ने रखी थी इसकी नींव. ठीक है, उससे पहले कई बार किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला. लीगली जो हमारा बोला जाता है, डोवनियर का थ्योरी हमारी डिस्कस की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल्स. ठीक है, तो हमारा इसको कहते हैं डोवनियर्स ट्रेड्स. डोवनियर्स ट्रेड्स के नाम से जाना जाता है. डोवनियर ट्रेड्स नेम से क्लियर होगा ट्रेड्स. ठीक है, ट्रेड्स मीन्स हो गया थ्री. डोवनियर ने फर्स्ट टाइम क्या कहा, उसने कहा ही अरेंज ए ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स विथ थ्री एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. मतलब क्या है, फिर से डिस्कस बोलती हूँ. डोवनियर अरेंज ए ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज विद इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. डोवनियर ने तीन एलिमेंट्स को अरेंज करा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के टर्म्स में, और जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के टर्म्स में अरेंज करा उसमें टोटल मिला के कितने एलिमेंट थे, थ्री एलिमेंट. उसका कहना था कि इन थ्री एलिमेंट का जो सम होगा, ठीक है, इन थ्री एलिमेंट जो होंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं उसके थ्योरी को बताने के लिए, लिथियम सोडियम और पोटेशियम हमारे एक फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट है लिथियम सोडियम, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है लिथियम सोडियम और पोटेशियम. तो उसका कहना था इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है. ठीक है, यही डेफिनेशन है. ही अरेंज ए ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट, ये हमारे ग्रुप में है, वर्टिकली अरेंज है, तो इनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं. दीज एलिमेंट अरेंज इन ए ग्रुप एंड दीज थ्री एलिमेंट शोन द सिमिलर प्रॉपर्टी. ऑब्वियसली ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी नीचे के एलिमेंट की होगी. सो दीज आर द थ्री एलिमेंट अरेंज इन ए ग्रुप एंड इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, द लाइक दैट. इसका एटॉमिक मास होता है 6.9 होता है, इसके एटॉमिक मास कितना होता है 23 होता है, और इसके एटॉमिक मास कितना होता है आपका 39. सो दीज आर थ्री एलिमेंट अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट. जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो सम होगा, दैट मीन्स 6.9 + 39, ठीक है, सम का एवरेज जो होगा वो मिड वाले एलिमेंट के इक्विवेलेंट होगा. मिड वाले एलिमेंट के इक्विवेलेंट होगा तो हम इसको सम करते हैं, दैट इज 22.9. इसका एवरेज करके हमारा कितना है 22.9, और दैट मीन्स 22.9 किसके इक्विवेलेंट है, सोडियम के, यानी कि 23 के इक्विवेलेंट है. तो यही उसका कहना था कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट, पहले तो उसने ये कहा कि एलिमेंट शुड बी अरेंज ऑन द सिमिलर प्रॉपर्टी इन ए ग्रुप एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट विल बी इक्विवेलेंट टू द मिड एलिमेंट. बट ये जो स्टेटमेंट है स्टार्टिंग तक तो कुछ चलता रहा. तो जैसे हमने लिथियम का लिया, हम इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल, हम सपोज इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम इसके लिए नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ले सकते हैं. तो हमने लिया आपको कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम. अगर हम कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम लेंगे तो ये भी तो ग्रुप में ही आते हैं, अरेंज होते हैं, ये भी तो ग्रुप में ही है. ओके, कैल्शियम का हमारा कितना होता है 40 होता है एटॉमिक मास, और स्ट्रॉन्शियम का हमारा होता है 87.7, और बेरिलियम का हमारा होता है 137. तो अभी भी यही, अगर डोवनियर ट्रेड्स को एक्सप्लेन करना है तो यही रूल फॉलो होगा, सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू द एवरेज, दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू द मिड ऑफ एलिमेंट, दैट इज 88.6. ये कितना आया 88.6, तो अप्रॉक्स 87.7 था. तो आप देख रहे हो जितना आगे बढ़ा है वेरिएशन आता जा रहा है, यहाँ 87 आना चाहिए था लेकिन 88.6 आ गया. तो यही कारण था कि डोवनियर ट्रेड बहुत लॉन्ग पीरियड तक नहीं चल पाया. इसने नहीं चल पाया क्योंकि हमारा ये स्टार्टिंग के जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक मास कम था वहां तक तो चलता रहा,
लेकिन 20 से ऊपर जाने पर धीरे धीरे ये एलिमेंट में क्या आने लग गया, आपका एटॉमिक मास उतना ही नहीं आया जितना आना चाहिए था, तो हमारा डोमिनेट रेट क्या हो गया, फेल हो गया। तो दैट इज द मेन कॉज टू फेल ऑफ द डोमिनेट रेट। ओके, तो ये मेन हमारा कॉज रहा कि डोमिनेट रेट को फेल होने का। सेकेंड थ्योरी हमारी जो किसने थी, न्यूलैंड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव नेम से क्लियर हो रहा है ऑक्टेव। आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था, उसका कहना था कि द एलिमेंट शुड बी अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिकल स्केल। द एलिमेंट को किसके बेसिस पे अरेंज करिए, म्यूजिकल स्केल के आधार पर। ठीक है, उसने क्या कहा, उसका कहना था द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास एंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट, फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट शुड बी सिमिलर। उसका ये कहना था एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास के टर्म्स में अरेंज करेंगे, और वो एटॉमिक मास के टर्म्स में अरेंज करेंगे, सो साथ साथ उसकी फिजिक फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। मैं रिपीट करती हूँ, द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज द एलिमेंट इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट आर सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसकी इक्विवेलेंट होगी, सिमिलर होगी फर्स्ट की। कहने का मतलब क्या है, अगर आप एलिमेंट को किसमें रखोगे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के टर्म्स में रखोगे, हमारा एलिमेंट्स आपको ऐसे चल रहे हैं, ये आपके एलिमेंट, ओके, पीरियड टेबल में ऐसे ही रखे होते हैं, आपको ये पढ़ने के लिए पहले पीरियड टेबल सामने रखनी पड़ेगी। तो ये एलिमेंट ऐसे रखे हैं, तो हमारा ये आपका कितना है, वन दैट इज टू एंड दैट इज थ्री दैट इज फोर दैट इज फाइव दैट इज सिक्स दैट इज सेवन दैट इज एट दैट इज नाइन दैट इज टेन, ये तो अब रखी गई है, लेकिन पहले एलिमेंट ऐसे नहीं रखे गए थे, पहले तो सीधे रखे गए थे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द एवरी एट्थ एलिमेंट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, एट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। तो उसने ये तो अब की सीरीज है, पहले कैसे रखे गए थे एलिमेंट, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो ये फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ और सेवन्थ, और उसके एट्थ एलिमेंट, एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर टू द फर्स्ट, उसका ये कहना था। बट ये बहुत पीरियड तक नहीं, बहुत लॉन्ग पीरियड तक नहीं चला, क्योंकि ऐसा नहीं पॉसिबल है। अब आप जानते हो कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन के सिमिलर नहीं होती है, ठीक है, और उसका साथ साथ ये कहना था कि एलिमेंट को जो टर्म्स में रखा गया है ये म्यूजिकल स्केल भी होता है। कहने का मतलब है उसका, आपने बोला हाइड्रोजन हीलियम को अगर छोड़ देते हो आप, एक बार हाइड्रोजन हीलियम छोड़ दीजिए, क्योंकि यू नो दैट हाइड्रोजन की पोजीशन आज भी अनसर्टेन है, ठीक है, तो एल आई बी ई बी सी एल ओ एफ, तो उसका क्या कहता है, ये सा रे गा मा पा दा नी सा, ठीक है, जो सा होगा एवरी एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन क्या केमिस्ट्री म्यूजिकल स्केल के अकॉर्डिंग चल सकती है, नहीं चल सकती। तो ये हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बहुत लॉन्ग पीरियड तक नहीं चला, बट इसके फेल होने के कारण ये था कि ये 40 एटॉमिक मास तक तो चला, ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं चला, स्टार्टिंग में ये चलता रहा था, 40 एटॉमिक मास एलिमेंट तक तो ये चला, लेकिन उसके बाद इसमें क्या आ गया, वेरिएशन आने लग गया, ठीक है। दूसरी बात, न्यू एलिमेंट इसके अकॉर्डिंग फिट नहीं हो पाए, आप ये नहीं कह सकते, ऐसे तो आज पीरियड टेबल में लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन है, आज भी ऐसे रखे हैं, कोई समस्या की बात नहीं है, आज भी ऐसे रखे गए। आपको पता है स्टार्टिंग नंबर कितना, एटॉमिक नंबर कितना था, थ्री, ये हो गया फोर, ये हो गया फाइव, दैट इज सिक्स दैट इज सेवन दैट इज एट दैट इज नाइन, और आफ्टर दैट यू नो दैट दैट इज नियो, ये तो वैसे भी इनर गैस का एलिमेंट है, लेकिन उसका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और उसके बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है। लेकिन ये काम तब तक ही चला जब तक 40 एटॉमिक मास रहा, लेकिन उसके बाद ये क्या हो गया, वेरिएशन हो गया। तो दैट इज द मेन कॉज टू फेलियर ऑफ द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। साथ साथ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को फेल होने के कई और कारण रहे हैं। पहला कारण, एसीटोप की पोजिशन क्लियर नहीं थी, 40 एटॉमिक मास तक तो ये चला, उसके बाद आगे नहीं चला। न्यू एलिमेंट के डिस्कवरी करने के बाद वो एलिमेंट यहाँ फिट नहीं हो पाए, क्योंकि एटॉमिक मास के बेसिस पर रखे गए तो ये एलिमेंट फिट नहीं हो पाए, तो हमारा ये थ्योरी क्या होगी, बहुत लॉन्ग पीरियड तक नहीं चली। इस थ्योरी को मॉडिफाइड करके एक नई थ्योरी देखी, मॉडिफाइड क्या, इस थ्योरी को हटा के एक नई थ्योरी आई इसके बाद, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद, जिसे हम कहते हैं मेंडेलीव पीरियड टेबल। थर्ड हमारी है आपकी, थर्ड आपकी जो आएगी वो आपकी आएगी मेंडेलीव पीरियड टेबल, ठीक है, फिर आएगी मेंडेलीव्स के बाद आती है न्यू फॉर्म्स। तो थर्ड आपकी थी मेंडेलीव्स पीरियड टेबल। मेंडेलीव्स ने क्या कहा, द एलिमेंट आर अरेंज्ड
इन ए पीरियड टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एटॉमिक मास. एलिमेंट को पीरियड टेबल में किसके बेसिस पर रखा गया है? एटॉमिक मास के बेसिस पर. किसके बेसिस पर रखा गया है? द एलिमेंट शुड बी अरेंज्ड इन ए पीरियड टेबल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास. ठीक है, एटॉमिक मास तक तो रखा गया, वो इससे पहले भी चला था और इसमें भी चला. बट प्रॉब्लम कहां पर आई? ये क्यों फेल हुई? क्यों इस फेल होने के बाद एक नई थ्योरी हमारे पास डिस्कस करी गई इसके बाद, न्यू फॉर्म ऑफ द मेंडेलीव पीरियड टेबल. मेंडेलीव पीरियड टेबल को फेल होने का कारण क्या था? कि ये उस तक तो चला, बिल्कुल सही चला, बट आप जैसे ही आप डी ब्लॉक के एलिमेंट, जो आज हम डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं, पहले डी नहीं था, बाद में न्यू फॉर्म ऑफ द पीरियड टेबल है, उसमें एसपीडीएफ डिस्कस किया था. तो अभी तो आपको मैं हिस्ट्री बता रही हूँ, तो आज आपका वो टॉपिक नहीं चल पाएगा. तो इसका कारण क्या था कि जैसे हम आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक जैसे जाते हैं एटॉमिक मास में, तो हम आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं, तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर आई और उसके बाद प्रॉब्लम यहाँ पर आई. कैसे? देखिए, हमारे पास कॉपर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉपर जिंक लीजिए. कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5, ठीक है, और जिंक का होता है 63.3. द एलिमेंट डेफिनेशन कहती है द एलिमेंट शुड बी अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास. एलिमेंट को एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज करा गया है. जब एलिमेंट को एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज करा गया है तो कॉपर का तो एटॉमिक मास 63.5 होता है, ठीक है, और जिंक का एटॉमिक मास 63.3 होता है. तो दैट मीन्स इस एलिमेंट को यहाँ रखना चाहिए था और इस एलिमेंट को यहाँ रखना चाहिए था. तो कहने का मतलब है यहाँ पर जिंक होना चाहिए था और यहाँ पर कॉपर होना चाहिए था. लेकिन ये तो अब रखा गया है, ये पहले ऐसे रखी गई थी तो वेरिएशन आने लग गया था, इसलिए ये थ्योरी बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड तक नहीं. दूसरी बात, ऐसा रखने से फायदा, तो कब तक रटोगे, कब तक याद करोगे, तो बहुत प्रॉब्लम आती. तो आप, क्योंकि अब आपको पता फोर्थ पीरियड टेबल है, न्यू फॉर्म ऑफ द पीरियड टेबल मेंडेलीव की, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियड टेबल, उसमें एलिमेंट को रखा गया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. ओके, तो ये इसके फेल होने के कारण, पहले आप इसके फेल होने के कारण समझ लीजिए. इसके फेल होने के कारण है कि द सम एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, बट आफ्टर द एटॉमिक नंबर 20 देयर शुड बी स्टार्टेड द वेरिएशन, सो इट शुड बी नॉट सेटिस्फाई द एलिमेंट इन ए पीरियड टेबल. ओके, सेकेंड, पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की पोजिशन आज भी अनसर्टेन है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक है, अगर इसके एटॉमिक मास की बात करी जाए तो किस तरह से रखा जाए. हाइड्रोजन अल्कली मेटल से है के साथ रखा गया है, लेकिन हाइड्रोजन एक गैस है, ठीक है. सम एलिमेंट आर डिफरेंट एटॉमिक मास, सब कुछ एलिमेंट जो है डिफरेंट ग्रुप में रखे गए हैं जबकि सेम एटॉमिक मास के हैं, लाइक दैट प्लैटिनम और गोल्ड. सम एलिमेंट डिफरेंट ग्रुप में रखे गए हैं जबकि ये सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, ये इसका फेल होने के कारण है. इट डज नॉट एक्सप्लेन द पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी क्या होती है वो आपको नेक्स्ट उसमें बताया जाएगा. इट डज नॉट एक्सप्लेन द पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है. तो दैट इज द मेन कॉज टू फेलियर ऑफ द मेंडेलीव ओल्ड फॉर्म ऑफ द पीरियड टेबल. नेक्स्ट ऐप के बाद जो फोर्थ पीरियड टेबल आई वो हमारी आई न्यू फॉर्म ऑफ द पीरियड टेबल, हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियड टेबल. लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियड टेबल जिसको आज हम पढ़ते हैं और इसी को आजकल हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. और दैट इज द बेस्ट पीरियड टेबल, लेकिन एक्सेप्शंस तो इसमें भी हैं और वो एक्सेप्शंस अभी भी मॉडिफाइड नहीं हो पाए हैं. तो उसको हम कहते हैं न्यू फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, न्यू फॉर्म ऑफ द पीरियड टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या कहते हैं मेंडेलीव, क्या कहते हैं इसको, मेंडेलीव लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मेंडेलीव लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियड टेबल, ठीक है. सो मेंडेलीव लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियड टेबल हम नेक्स्ट आपको नेक्स्ट सेशन में आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर ये स्टार्ट हो गया तो बहुत लेंथी टॉपिक है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.